अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वलीद और आप देख रहे हैं पाक टिप्स एंड ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने YouTube स्टूडियो ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको एनालिसिस में चले जाना है। उसके बाद ये आपको नीचे वॉच टाइम नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको बता रहे हैं 9369, ये सब 28 डेज का है। अगर लाइफ टाइम यहाँ से आप कर सकते हैं, अगर लाइफ टाइम करेंगे 48,382, ये मिनट्स बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आती कि आप घंटे वॉच टाइम कितने घंटे हुए हैं, आपने ये देखना होता है, लेकिन ये यूट्यूब स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ मिनट्स बताता है। तो इसके लिए आपको करना है, आपने कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो लिख के सर्च करना है। जैसे कि मैंने ये YouTube स्टूडियो लिख लिया है और सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको टॉपिक रिजल्ट नज़र आएगा YouTube स्टूडियो, आपने इस पर चले जाना है। ये देखिए जिस तरह कंप्यूटर में या पीसी में आपको इस तरह व्यू मिलता है, वैसे आपको व्यू मिल रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाला एक ऑप्शन आइकन नज़र आएगा, अपने इस पर चले जाना है। और यहाँ पे आप अपने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह। ये अभी यहाँ पे आपको ये सब्सक्राइबर बता रहा है और साथ ही आपको ये वॉच टाइम बता रहा है और ये हॉर्स घंटों में बता रहा है। इधर आप देख सकते हैं 741 और वॉच टाइम है और ये हॉर्स में, और जो यूट्यूब स्टूडियो पे आपको ये देखें बता रहा था और ये है मिनट्स में, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। ये यहाँ पे मिनट्स शो हो रहा है, इस वजह से आपको लगता है कि ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चले दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।